मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को एक दिवसीय सागर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 72 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को विभिन्न स्वागतें दी। वहीं सीएम मोहन यादव ने सागर में प्रथम नगर आगमन पर जिले के नागरिकों ने जन आभार यात्रा निकालकर उनका बुंदेली परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत अभिनंदन किया। इसी कड़ी में सीएम मोहन यादव ने कहा कि मैं सागर में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा कि नया भवन बनकर तैयार जून माह में हो जाएगा और विश्वविद्यालय भी प्रारंभ कर दिया जाएगा, साथ ही सागर में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। मैं आज के इस अवसर पर, एक तो आपने जो मांग रखी सेलेन भाई, हमारे गोविंद भैया, बीडी जी सबने कहा है कि यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी की जरूरत है, तो हमने कहा इसी साल जून से यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा करते हैं। अगर हमारे अपने यहाँ इस जगह पर सरदार, हमको मालूम है सर हरि सिंह गौर अपने पैसे से विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, तो इतनी सरकार इतनी दरिद्र थोड़ी है कि आप मक्की मांग नहीं मानेगी। निश्चित रूप से मानेगी, क्यों नहीं मानना चाहिए। और इसकी व्यवस्था भी हमारे अपने लिए, अभी कोई भवन तैयार होगा उसी भवन में इसी सत्र से विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिया जाएगा।